Hello everyone. Welcome to our channel, Law of Attraction. Today is day 9 of Financial Freedom Journey. अभी तक हमने क्या बात करी है? अभी तक हमने अपने पास्ट की, अपने फियर्स की, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स की क्लीनिंग कर दी है. अब हम एक क्लीन स्लेट हैं. कल हमारी एक न्यू एग्जिस्टेंस हुई थी. हमने एक न्यू अपनी एग्जिस्टेंस को जन्म दिया था एक फ्रेश स्टार्ट से. सो अब तक तो हम अपनी पुरानी क्लीनिंग कर रहे थे. अब हम पुरानी क्लीनिंग हो गई. अब हम करेंगे अपनी एक क्लीन स्लेट पे वो चीज़ें लिखने की जो हम लिखना चाहते हैं. जैसे हम ये कहते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी लिख सकते हैं. यू आर द क्रिएटर. तो अब आज से मेरे साथ आप अपनी डेस्टिनी लिखेंगे. जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिखेंगे और वही आप अचीव करेंगे. तो आप, मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था अपनी पहली वीडियो में कि हमें तीन चीज़ें चाहिए, नॉलेज, स्किल्स एंड पर्सनालिटी. और इसको एक आपको मैंने और तरह से एक्सप्लेन किया था कि आपको चाहिए कैश, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स. ये चारों चीज़ें आपके पास हैं तो आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं. मनी, कैश, रिचनेस, सक्सेस, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग. सो आपको वर्क करना है कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट्स पे. इसको थोड़ा और समझते हैं हम. आप सबको पता है सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी. इन तीनों का क्या मतलब है? सरस्वती का मतलब है नॉलेज एंड लर्निंग. दुर्गा का मतलब है पावर, चाहे वो फिजिकल पावर हो चाहे मेंटल पावर हो. और लक्ष्मी, आप सब जानते हैं लक्ष्मी. आपने अपने अंदर सरस्वती और दुर्गा को एस्टैब्लिश करना है. जब आपके अंदर सरस्वती और दुर्गा आ जाएगी, लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता. सरस्वती का मतलब है नॉलेज एंड लर्निंग. नॉलेज आपको चाहिए, लर्निंग आपको चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक नई डिग्री करनी है स्कूल में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके. आपने जो पढ़ा है बिल्कुल ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आप मास्टर्स हैं, चाहे आप MBBS हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे. आप नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं. हम इस पे अलग वीडियोस में आएंगे नॉलेज एंड लर्निंग पे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे आपको अपने अंदर सरस्वती बिल्ड करनी है. और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिग्री कर ली तो वो स्टॉप हो गया. यही हम गलती करते हैं. हमें डेली अपने आप को अपग्रेड करना है. आप एप्पल आईफोन इतना अच्छा ब्रांड क्यों है? हर साल उनका एक नया वर्जन आता है. एप्पल आईफोन 4, 5, 6, 7, 13 वो अपग्रेड करते हैं. हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दिया. हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते. तो हमें अपनी नॉलेज और लर्निंग के साथ एवरी डे अपने आप को अपग्रेड करना है. लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए. दूसरा है एटीट्यूड, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी. सो नॉलेज एंड लर्निंग सरस्वती, एटीट्यूड और हैबिट्स वो है दुर्गा, वो है पावर. जब आपके पास नॉलेज, लर्निंग सरस्वती, एटीट्यूड एंड हैबिट्स दुर्गा, ये चारों चीजें होंगी, CASH होगा, तो कैश को आपके पास आने से, लक्ष्मी को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने एटीट्यूड पे. हमें सबसे पहले हमने क्या करना है? अपने गोल्स अचीव करने हैं. गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले भी आपको बात की है कि गोल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जापान की. जापान, आपको सबको पता है 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब गिरे थे और पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी. अराउंड 3 लाख लोगों की 2 दिन में डेथ हुई थी. और इवन लोगों की सिर्फ नहीं, आप लैंड सब कुछ खराब हो गई थी. बच्चे बॉर्न हो रहे थे, वो भी यू नो रेडिएशंस के कारण. सब बच्चे डिफॉर्म पैदा हो रहे थे, उनको फिजिकल एलिमेंट्स थी. तो जब जापान ने ये देखा, 4-5 साल तो वो ये चलता रहा. लोगों का मोरेल बहुत डाउन था, लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि वो क्या करें, कुछ अचीव नहीं कर पा रहे.
तो 1950 में जापान गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया कि उन्होंने अपना गोल बनाया, और गोल क्या बनाया उन्होंने कि विद इन 10 ईयर्स वो वर्ल्ड के बेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लेस बन जाएगी। हालांकि आप जानते हैं जब आपकी लैंड खराब हो तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड को, और बाय 1960 जापान वॉज नंबर वन इन टेक्सटाइल। फिर उन्होंने एक और गोल बनाया 1960 में कि विद इन 10 ईयर्स जापान विल बी नंबर वन इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, और स्टील के लिए जो आयरन और कोल चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं थी वहां पे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो गोल बनाया अपनी लिमिटेशंस को इग्नोर करके, अपने फोकस किया कि ये हमने करना है, ये गोल बनाना है। विद इन 10 ईयर्स दे वर नंबर वन इन स्टील। फिर 1970 में उन्होंने एक और गोल बनाया कि विद इन 10 ईयर्स जापान विल बी नंबर वन इन ऑटोमोबाइल, और 11 साल में वो नंबर वन बने ऑटोमोबाइल। इतनी पावर है गोल्स की कि आपकी जो भी लिमिटेशंस हैं वो आप सब भूल के, और मेरे हिसाब से आप सब ने अपने गोल्स बना लिए हैं, सबने अपने गोल्स लिख लिए हैं, और उसमें अब आपने क्या करना है, उसमें बिलीव करना है, अपना एटीट्यूड चेंज करना है। तो आज से हम बात करेंगे अपने एटीट्यूड की, एटीट्यूड माइंडसेट, उसमें हमने क्या चेंजेस लानी है। आपने अपना पहले तो एटीट्यूड चेंज करना है, एटीट्यूड आपने करना है कैन डू का। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, नहीं, आप कर सकते हैं, कैन डू का एटीट्यूड, आप करेंगे। ये एटीट्यूड बनाएं, कोई भी आपका टारगेट है, कोई लिमिटेशंस है, सब भूल के आपका ये एटीट्यूड हो कि आपने वो चीज करनी है। सेकेंड चीज, आज मैंने गोल्स की बात दोबारा क्यों करी, क्योंकि आज मैं बात करने लगी हूं विजन बोर्ड की। वही गोल्स जो आपने बनाए हैं वो आप अपने विजन बोर्ड पे लगाएं, चाहे आप लिख लें, चाहे आप व्हाइट बोर्ड लेके उस पे लिख लें, किसी भी तरह से अपने सामने, चाहे एक पेपर पे चिपका लें, चार्ट पे चिपका लें, चाहे अगर उनकी आप पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह से। विजन बोर्ड हम जनरली बनाते हैं, हम पिक्चर्स लगा के पिक्चर्स कट करके पेस्ट करते हैं, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। विजन बोर्ड का मतलब है कि वो बोर्ड जो आपकी विजन के सामने रहे, सिंपल सा मतलब है। और कोई लिमिटेशंस मत रखें, कोई रेजिस्टेंस नहीं रखें कि कैसा होना चाहिए। बेसिकली पर्पस ये है कि आप वो चीजें विजुलाइज करें, आप अपना एटीट्यूड चेंज करें कि हम वो, आप वो चीज अचीव कर सकते हैं। आप अपने आप को विजुलाइज करें कि आप उसको कैसे अचीव करेंगे, आप उसको जब अचीव करेंगे तो वो कैसा फील करेंगे आप। तो आप विजन बोर्ड बनाएं, आप विजुलाइजेशन करें। सो वो कैसे कर पाएंगे, आप अपने गोल्स को वहां पे लिखें, आप अपने गोल्स को वहां पे पिक्चर्स लगा के पेस्ट कर दें, और डेली सुबह शाम उसको देखें, और उसके साथ इमेजिन करें। आप, हम ये भी आगे करेंगे कि गोल प्लान कैसे बनाना है, आपको अपना प्लान क्या बनाना है, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होगा कुछ। देखने से ये होगा कि वो चीज आपको रिमाइंड कराएगी कि आपने अपने आप के साथ एक प्रॉमिस किया है, आपने अपने आप के साथ एक प्रॉमिस किया है कि आपने वो चीज अचीव करनी है। एक और चीज, सिर्फ विजन बोर्ड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर डेट लिखें। आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आपके 10 गोल हैं, आप हर गोल के साथ एक डेट लिखें कि वो गोल आप कौन सी डेट तक अचीव करना चाहते हैं। बी रियलिस्टिक, ऐसा करें कि जैसे आपको जो भी आपकी इनकम है, आप 10,000 एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं पर मंथ, तो आप डेट डालें 3 महीने बाद की, 2 महीने बाद की, जितना भी आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, आप 3 महीने की डाल दें, डेट्स डालें हर गोल के साथ। तो आज की वीडियो में हमने ये बात करी है कि हमने विजन बोर्ड बनाना है और विजुलाइज करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपने, क्योंकि ये एटीट्यूड की बात हो रही है, तो एटीट्यूड चेंज करना है अपना, कैन डू एटीट्यूड की, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विन विन सिचुएशन। ये मत सोचें कि मेरा क्या बेनिफिट होगा, ये सोचें कि बाकियों का क्या बेनिफिट होगा। अगर आप कस्टमर को चीज सेल कर रहे हैं तो आप कस्टमर को कैसे मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं ताकि वो खुश रहे और आपको भी बेनिफिट हो। आपके कोई इंप्लॉयज हैं तो आप ये देखिए आप उनको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ का सोचें। जब आप उनका ग्रोथ का सोचेंगे तो वो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेशन से वर्क करेंगे ही करेंगे।
और इसके साथ साथ आपको चार चीजें और माइंड में रखनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड चेंज करने का। तो एटीट्यूड चेंज करने का अगेन मतलब है कि कुछ चीजें हमें लाइफ में नहीं करनी। क्या नहीं करना आपने? क्रिटिसाइज नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, कंपीट नहीं करना और कंपेयर नहीं करना। कुछ भी हो जाए, आपने दूसरे के साथ अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, कंपेयर नहीं करना और कंपीट नहीं करना। आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। आप अपने गोल्स लिखिए, आप सक्सेसफुल हो, दूसरा कुछ भी करे उससे हमें क्या लेना देना। सो आज की वीडियो में हम अपनी जर्नी पे चल पड़े हैं अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए। हमने अपने गोल्स लिख लिए हैं अपने विजन बोर्ड पे और विजुलाइज करेंगे वो गोल्स को एक राइट माइंडसेट से, एक राइट एटीट्यूड से। तो आपका आज का टास्क ये है कि जो आपके गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप एक विजन बोर्ड पे लगाएं, उनको विजुलाइज करें। लेकिन विजन बोर्ड पे आप अपने गोल्स लगाएं एक सर्टेन टाइम के, आप कितने टाइम में वो बात अचीव करना चाहते हैं। आप सपोज एक बड़ी कार लेना चाहते हैं, एक साल लिख दें, दो साल लिख दें, कभी भी आप जब लेना चाहते हैं आप लिखें, उस पर एक डेट लिखें। वो फिर एक सर्टन हो जाती है यूनिवर्स में कि आप उस डेट तक वो चीज अचीव करेंगे ही करेंगे। कुछ कोई ब्रह्मांड की शक्ति उस चीज को नहीं रोक सकती। ये बिलीफ के साथ आपने चलना है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आगे की वीडियो में और बात करेंगे एटीट्यूड में हम क्या क्या चीजें चेंज करें। तो आज की वीडियो में आपने ये टास्क करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो इन माई नेक्स्ट वीडियो। Thank you.